side Tapan K. Archa. And this side Rudhi Sorul. Welcome to our Hackers Vlog. 18 दिसंबर को हम लोग मुंबई में यहाँ पर आए इनॉग्रेशन के लिए. यहाँ पे हम लोग इनॉग्रेशन के लिए आए हैं और जस्ट हम अपने होटल से बाहर आ गए हैं जाने के लिए बड़ा चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 बजे टाइम था हम लोग, अभी ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो गए ना, 10:30 हो गए. 11 o'clock का था टाइम, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम लेट हो गए. अब हम लोग निकल, तो क्राउड पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ का दिखाएंगे आपको कितना बढ़िया ऑफिस है नया वाला जो हमारा. हम सर के इनॉग्रेशन में जाते जाते उनके बेबी गर्ल के लिए हमने एक गिफ्ट लिया. फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और बहुत सुंदर व्यू है. इतना अच्छा यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, जो कि आवाज़ खराब तो आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी. पीछे का दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें भाई पूरा इतना वॉल स्ट्रीट लिखा हुआ है, उसके अलावा वहाँ पे सारी घड़ियाँ हैं और उसके अंदर सारे मतलब टाइम जोन के साथ घड़ियाँ हैं कि कौन सा टाइम अभी हो रहा है. अगर आपको चाहिए कि ना भाई वाटर प्रूफ हो तो ऐसा होना चाहिए वाटर प्रूफ, जैसे पीछे दिख रहा होगा आपको वो सारे जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो सारी घड़ियाँ हैं, वो क्लॉक्स हैं और सब किसी के नीचे सिंगापुर लिखा है, किसी के नीचे टोक्यो लिखा है. सो अभी आ गए यहाँ पे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर रिटर्न करते हैं. हमें शायद 6th या 7th floor पे जाना है, हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे. बहुत बढ़िया व्यू है. सो ये पीछे कितना अच्छा व्यू दिख रहा होगा, पूरा वर्ल्ड मैप है, पूरा वर्ल्ड मैप है, पूरा वर्ल्ड की क्लॉक्स लगे हुई, सारी तो नहीं है बट मैक्सिमम है. और ये अभी हमारा नया ऑफिस है, तो अभी प्राउड जाते हैं अंदर, यहाँ पे तो भाई शूट करना बनता है. बहुत लंबी वहाँ पे ना बातचीत चली हमारी, बहुत लंबी तक बात करी हमने, लंच भी किया, काफी डिस्कशन किया. और लंच एक बार नहीं भाई, दो बार लंच करा रही थी, दो बार लंच किया हम दोनों ने. हाँ मैंने भी करा, अभी नीचे आया क्योंकि ना बहुत भयंकर बहुत हैवी लंच हो गया था, तो मैं चलो ठीक है फटाफट थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो हम वॉक करने के लिए आए नीचे. तो अभी यहाँ पे 10-15 मिनट वॉक करेंगे और फिर ऑफिस जाएंगे. बता दूँ आपको कि ना जिस बिल्डिंग के अंदर अभी हम लोग हैं, उस बिल्डिंग के अंदर अमिताभ बच्चन का भी होटल है, हाँ वो ऑफिस है, मीन इन्वेस्टर है वो भी, और उसने भी एक ऑफिस ले रखा है, तो वो भी हम ढूंढेंगे. मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बंद है एक्चुअली वाला ऑफिस जो है, वो पहले मुंबई पुलिस यूज़ कर रही थी, अब यूज़ नहीं कर रही क्योंकि अभी ना ऑलरेडी वहाँ पे मुंबई पुलिस का ऑलरेडी सेपरेट बन चुका है. तो तपन कैसा लग रहा है? जान निकल गई यार. और कितना सुंदर ऑफिस है यहाँ पे, एक से बढ़कर एक सुंदर ऑफिस है यहाँ पे. पेप्सी का देखा हमने ऑफिस में, काफी सारे ऑफिस है यहाँ पे. तपन पसीने आ रहे हैं ना? हाँ बहुत भयंकर पसीना आ रहा है अभी एक्चुअली ऑफिस हम लोग ऑफिस आ गए हैं, यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह बहुत सुंदर ऑफिस डेकोरेशन है, हम आपको जल्दी से दिखाते हैं पूरा वीडियो. मैंने अभी शूट नहीं करा, अभी मैं शूट करूंगा पूरा वीडियो, तो फिर अच्छा लगेगा. Thank you.
एकर्स मतलब सुबह से लेकर शाम तक इधर हो गए अभी, तो अभी हम स्ट्रगल थोड़ा बहुत अभी इधर ही बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी शूट कर रहे हैं यहाँ का पूरा, ताकि सर को गिफ्ट कर सकें एक वीडियो हमारे यहाँ का कि भाई हमने जो पूरा रिकॉर्ड किया छोटी सी वीडियो शूट भी करी है जिससे कि हम सर को दे सकें एज अ मेमोरी। तो ये अच्छा मेमोरी रहेगा पूरा एक वीडियो का शूट करके, मतलब ऑफिस का पूरा शूट करके। भाई आज हालत खराब हो गई, थक गए, मतलब बैठे बैठे नहीं थका आदमी ना, बैठे बैठे थके, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तभी हम बहुत थक बहुत थक गए। बिहार से ही कर रहा हूँ मैं शूट, ठीक है, फटाफट अभी ये कम्प्लीट होने के बाद फिर पास करेंगे और फिर जाएंगे शाम को। और मुंबई की ट्रेनिंग हमारी कंफर्म हो गई है जैसे बता रहा था हम लोग आपको, क्राइम ब्रांच को। यहाँ से निकलने का मंडे को था लेकिन हम लोग अब ट्यूजडे को निकलेंगे क्योंकि हमारी दो दिन की ट्रेनिंग फिक्स हो गई। सो भाई मुंबई क्राइम ब्रांच को सेकंड टाइम ट्रेनिंग देने वाले हैं, पहले टाइम में कोविड हो गया था मुझे, इस बार थोड़ा सा देख के देंगे, इस बार कोविड नहीं होगा, इस बार नहीं, थोड़ा देख के भी देंगे। और सेकंड डोज अपना ऑलरेडी पहले लग चुका है, कंप्लीट है, तो वही भी अच्छी बात। ये कंप्लायंस ऑडिटर है हमारे, जब चीज़ें ओवरलोड हो जाती ना तो ये कम करते हैं उसमें। सो यहाँ पे अभी हम लोग टेरेस देखने जा रहे हैं। सो यहाँ का टेरेस जो है वो बहुत अच्छा है, अभी सुंदर है और बहुत अच्छा व्यू आता है, तो हम आपको दिखाते हैं। सो वहाँ पे लेके चलते हैं, फटाफट चेक करते हैं वहाँ का टेरेस के साथ। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है और इतना सुंदर टेरेस गार्डन, माय गॉड, हमने देखा ही नहीं, ये बहुत सुंदर है। ये ऑफिस का टेरेस गार्डन है और इतना मतलब क्या लग रहा है, सुंदर है। मौका लगेगा तो हम दिन के टाइम पे थोड़ा सा और बताएंगे क्योंकि हमें जस्ट अभी पता चला कि ऑफिस के ऊपर टेरेस गार्डन भी है और हमें वहाँ पे घूमने की परमिशन है। एक्चुअली मैं आर्टिफिशियल ग्रास है जो पीछे लगी हुई है, वो पूरा आर्टिफिशियल ग्रास, प्लांट्स पूरे रियल है। यहाँ पे एक व्यू दिखाते हैं आपको। नहीं नहीं आर्टिफिशियल नहीं है, ये जो है एक्चुअल में रियल ग्रास है, ग्रास है। बहुत सुंदर सा डेकोरेटेड है, मींस हार्ट शेप बना हुआ है जैसे ओपन टेरेस रेस्टोरेंट्स होते हैं, देखो ऐसा बहुत लग रहा है। अभी हमने जैसे आपको टेरेस गार्डन दिखाया, बहुत सुंदर था, बहुत अमेजिंग था, सीरियसली ऐसा हम लोगों ने राजस्थान में कहीं नहीं देखा। सो दिन में देखो तो लगता है कि जैसे इंडिया के बाहर आ गए, बहुत अच्छा, सीरियसली ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन सिटी में बैठे हैं। बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, दिखाते हैं अंदर का ऑफिस आपको और अच्छे तरीके से। सो ये वाला एरिया जो है क्या है, कौन सा एरिया रिद्धि? ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ से फ्रंट व्यू है बाहर की तरफ। यहाँ पे जो भी फर्स्ट एंट्री पे आएंगे उनका ऑब्वियसली यहीं पे वेलकम होगा, जो भी क्लाइंट आएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट के कस्टमर्स आएंगे। और यहाँ पे ये एक सोफा सेट है, हाँ, यहाँ जहाँ पे कि आप वेटिंग एरिया है, ये छोटा सा जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये एरिया जो है आप देख सकते हो, ये डायरेक्टर रूम है और अभी हमारे डायरेक्टर बाहर फोन पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम चुपके से यहाँ पे आके रूम का आपको व्यू दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और हमने जिनके लिए कचौरी लाए थे हमने वो भी दे दी है। बच्चे की चेयर भी उनकी छोटी बच्ची हुई है अभी जस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी छोटी बच्ची के लिए। और ये पूरा उनका और बुके भी बहुत सुंदर है, पीछे वाला बुके बहुत अच्छा, दिखाता हूँ मैं। 8:25 हो चुके हैं हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर अभी, और रिद्धि कुछ नया प्लान चल रहा है अभी। सीरियसली अभी हम लोग पूरे दिन का काम कंप्लीट करके, मतलब काम तो क्या किया, आज इनॉग्रेशन था तो सर के क्लाइंट से मिलना, सर के साथ बैठना, बात बात करना, आज पूरा दिन हमारा उसी में निकला और अभी 8:30 हो गए, हम अभी भी ऑफिस में बैठे। सो अभी सर ने बोला कि ना आपको डायरेक्टली होटल नहीं जाना, पहले कुछ प्लान है, अभी हम घर पे जाएंगे क्योंकि उनका एक नया घर बना है, तो वो हमें वहाँ पे ले जाना है अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाने के लिए। फिर वहाँ से हम जाएंगे कहीं और पे, सरप्राइज है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे होटल पे। ये जो इतना बड़ा सा आपको रूम दिख रहा है, ये सॉफ्ट टीम का रूम है, यहाँ पे सॉफ्ट टीम बैठती है जो कि 24 आवर्स वर्क चलता है। पीछे पूरा सेंटर देख सकते हैं, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है एक्चुअल में, यहाँ पे यूएस का प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग है ना जितने भी क्लाइंट के अंदर क्लाइंट के नेटवर्क्स वगैरह में डिवाइसेस में बग्स वगैरह आते हैं, सो यहाँ पे मॉनिटर होता है, उसके अलावा एनालिसिस होकर फॉरेंसिक होता है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए 24 आवर्स आपको अलर्ट रहना पड़ता है, सो यहाँ पे जो भी मेंबर्स बैठेंगे वो 24 आवर्स की ड्यूटी पे बैठेंगे। तो 3 शिफ्ट में यहाँ पे चलेगा, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी, तीन लोग अलग अलग लोग करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे सेटअप कंप्लीट करा हुआ है, सेटअप है और बहुत अच्छा है, सारा अरेंजमेंट प्रॉपर है, हमारा भी इधर ही होगा बैठने। हाँ, हम भी यहीं कहीं बैठेंगे। हाय, मायसेल्फ कुणाल पंचमिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग ई प्रोजेक्ट 360 सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। This journey has been started in 2014 after 12 years of experience in the industry, working with various organizations in India as well as in abroad. I have started this journey. Today we are completing a 7 years
and we are moving to our next step. We have done the rebranding of our organizations. Basically, we provide entire end-to-end governance, compliance, risk services, which calls a GRC. We provide cybersecurity. It includes trainings and we do the compliance services. यहाँ पर आए हुए थे भाई, बहुत टेस्टी हमने स्वीट कॉर्न के फ्लेवर्स खाए, बहुत मजे आए। और अभी हम सर के साथ शायद उनके घर जा रहे हैं। हाँ, उसका फिर आएंगे वापस घड़ी में होटल की तरफ। बहुत हालत खराब हो गई, बहुत 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 टेस्टी था, बहुत टेस्टी। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे कुणाल सर के घर पे और ये उनकी डॉटर छोटी वाली अनन्या नाम है इनका। छोटी वाली क्या, एक ही है? हाँ, मतलब एक मतलब ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली, ये छोटी वाली। आपका नाम? पायल। पायल ये है और ये राजस्थान में काफी टाइम रही है तो ऐसे भी जानती है, कचोरी लवर है, कचोरी लवर है। इन्हीं के लिए आपको देखा होगा पिछले ब्लॉग में, हमने इन्हीं के लिए कचोरी लेकर आए थे। और पीछे एक और है, वो फोटो लवर है हमारी। आपका नाम? माधवी। ये माधवी है और इधर एक और मैम, आपका नाम? मीनाक्षी। ये मीनाक्षी मैम, ये इनकी मदर है और सर को भी लेकर आते सर। सर आपका नाम? सर क्रिएट। ओके, सर इनके फादर हैं और उसके अलावा एक और मेंबर है हमारे साथ में जिनकी अभी बहुत बुरी हालत टाइट है क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, 12:30 होने वाले हैं और अभी इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया घर वालों का, तो उसके बाद जिनकी हालत हुई है देख सकते हैं आप इस आदमी को। आइए संदेश जी है हमारे, ये वही हैं और विटनेस के तौर पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। इनकी वाइफ को सर ने बड़ा परेशान कर दिया फोन पे, ये बोल गई कि ये हमारे साथ में नहीं है, इनको लग रहा है कि कहीं और गए हैं। और उसके बाद से भी जो फोन पे इनको सुनना शुरू हुआ है, एक्चुअली फोन दूसरे का इसलिए कम सुनाई में दिया और हिम्मत नहीं आज घर जाके फोन उठाने की, तो कल सुबह ये बात करें घर पे। संदेश जी यस यस यस, पहला वीडियो पहला ब्लॉग और काफी सम्मानित महसूस हो रहा है। काफी सम्मानित महसूस हो रहा है भाई। बाय। बाय सर, गुड नाइट। सो बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट अभी एक बजने वाली है। लोग आए अभी होटल पे, हम अभी होटल पे आए हैं। बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत थक गए, आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा और ब्लॉग पे ही एंड करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है बहुत, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट भी कर लेना। इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।